So the next question is question number 18, and we have already discussed question number 1 to 17. This question says, which system call returns the process identifier of a terminated child? Okay, so ye question keh raha hai ke inme se kaun si system call process identifier return karta hai ek terminated child ka. Okay, terminated child. हमें पता है कि एक fork system call है. Fork system call हम use करते हैं एक child process create करने के लिए हमेशा. For example, अगर आपके पास में एक program है like this, तो हम child process कैसे create करेंगे? Let's say ये program है मेरे पास में main program और एक मैंने fork system call की है and then I'm printing something. तो इसका आउटपुट क्या होगा? प्रिंट एफ कितनी बार कॉल, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? हमें पता है कि फोर्क सिस्टम कॉल, जब भी हम सिस्टम कॉल करेंगे वो एक नई प्रोसेस क्रिएट कर देगा, एक नई चाइल्ड प्रोसेस, और वो चाइल्ड प्रोसेस उससे अगला स्टेटमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा. जिस टाइम ये सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हो रही है तो प्रोग्राम काउंटर कहाँ है? प्रोग्राम काउंटर यहाँ पर है. और हमें पता है कि जो चाइल्ड प्रोसेस होगी वो हमेशा पेरेंट प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर शेयर करेगी. चाइल्ड प्रोसेस हमेशा पेरेंट प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस स्पेस, कोड, डेटा सब कुछ शेयर करेगी. तो जो आपकी नई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगी वो यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगी. अब प्रिंट एफ दो बार एग्जीक्यूट होगा. क्यों? क्यों एक बार जो आपका पेरेंट प्रोसेस है, पेरेंट प्रोसेस ये प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट करेगी, और एक बार जो आपने फोर्क सिस्टम कॉल के थ्रू एक नई प्रोसेस क्रिएट करी है चाइल्ड प्रोसेस, वो भी इसको रन करेगी. ठीक है, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करेगी वो रन करना. इसके बाद का जो भी कोड होगा, फोर्क सिस्टम कॉल के बाद का जो भी कोड होगा वो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी. तो जो आपकी फोर्क सिस्टम कॉल है वो चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए है. अब ये पूछ रहा है कि प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आइडेंटिफायर का मतलब है पीआईडी. तो इनमें से कौन सी सिस्टम कॉल पीआईडी रिटर्न करेगी जो एक ऐसी प्रोसेस का, ऐसी चाइल्ड प्रोसेस का जो अभी अभी टर्मिनेट हुई है. तो जब पेरेंट प्रोसेस, जब कोई नई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुई, एक पेरेंट प्रोसेस है और एक नई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गई है, तो पेरेंट प्रोसेस एंड चाइल्ड प्रोसेस दोनों की दोनों पैरेलली रन कर रही होगी. ओके, हो सकता है कि पेरेंट प्रोसेस पहले एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर जाए और चाइल्ड प्रोसेस अभी भी एग्जीक्यूट कर रही है. तो अगर पेरेंट प्रोसेस ने पहले अपना काम खत्म कर लिया है, अगर पहले ही वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी है, तो वो सिंपली टर्मिनेट नहीं करेगी. क्योंकि अगर ये टर्मिनेट कर गई तो उसकी जितनी भी चाइल्ड प्रोसेस थी वो उनको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा. ओके, फोर्सफुली. बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब चाइल्ड प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाए तभी वो टर्मिनेट करे. तो पेरेंट प्रोसेस वेट करेगी चाइल्ड प्रोसेस का, उनके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का. तो ये पेरेंट प्रोसेस कैसे वेट करेगी? पेरेंट प्रोसेस एक सिस्टम कॉल करेगी वेट. ठीक है, प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस ने कहा वेट. वेट मीन्स अब पेरेंट प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली गई है इस वेट सिस्टम कॉल को करने के बाद में, और ये वेट कर रही है कि कब चाइल्ड प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे. जब चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी तो चाइल्ड प्रोसेस क्या करेगी? एक अपना प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगी पेरेंट आईडी को, पेरेंट प्रोसेस को, कि आई हैव कंप्लीटेड द एग्जीक्यूशन. तो जो भी चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट कर जाएगी वो अपनी प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगी पेरेंट प्रोसेस को. तो टर्मिनेटेड चाइल्ड प्रोसेस आइडेंटिफायर रिटर्न कर रहा है पेरेंट प्रोसेस को थ्रू द वेट सिस्टम कॉल. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. ए इसका सही आंसर है, वेट सिस्टम कॉल. क्वेश्चन नंबर 18 है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द रजिस्टर्स. सो कोई भी अगर आपके पास में एक लेट्स एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोग्राम है और उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन है I1, I2, इस तरह से हमारे पास में कुछ 5 इंस्ट्रक्शन हैं और उनके कुछ एड्रेसेस हैं. लेट से इसका एड्रेस है 1000, 1002, 1004, ये सब एड्रेसेस हैं. तो ये कह रहा है कि द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द रजिस्टर्स. तो इनमें से कौन सा रजिस्टर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है? तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर है वो यहाँ पर होगा. एक स्पेशल रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर जो यूजर को एक्सेसिबल है. हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी रजिस्टर्स होंगे सबके सब रजिस्टर्स यूजर को एक्सेसिबल नहीं होंगे, प्रोग्रामर को एक्सेसिबल नहीं होंगे, उनमें से कुछ रजिस्टर्स ही एक्सेसिबल होंगे. तो प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा. अभी अगर इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूशन में है तो प्रोग्राम काउंटर के पास में 1002 एड्रेस है जिससे कि वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर पाए. तो प्रोग्राम काउंटर हमेशा अगले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखेगा जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उससे अगले वाले इंस्ट्रक्शन का. जब I2 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ एडवांस कर जाएगा. इस तरह से प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को रखेगा.
तो सही आंसर है प्रोग्राम काउंटर। क्वेश्चन नंबर 20, अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक देखा था कि हर एक प्रोसेस एक पीसीबी के साथ में रन करती है, हर एक प्रोसेस एक पीसीबी के साथ में रन करती है, और पीसीबी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें उसमें स्टोर करते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो गई, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स हो गई, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस हो गई, आपका डेटा हो गया, एड्रेसेस होंगे, कोड हो गया, ये सब चीज़ें, जैसे कोड, स्टैक, स्टैक पॉइंटर, डेटा, ये सब कहाँ होंगे, आपकी पीसीबी के अंदर। लेकिन बूटस्ट्रैप एक प्रोग्राम है जो कि आपका एक बायोस के अंदर स्टोर रहता है, जिस टाइम आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम उस टाइम रन करता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या करता है, आपके बूटिंग को, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है उसको हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लोड करता है, ये कभी भी ये पीसीबी का पार्ट है ही नहीं, बिल्कुल अलग ही चीज़ है। तो सी रही सही आंसर है, ये कह रहा है कि डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, कोड भी होता है पीसीबी के अंदर, स्टैक भी होता है, डेटा भी होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप प्रोग्राम नहीं होगा पीसीबी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, थ्रूपुट। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन, ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी, थ्रूपुट की। थ्रूपुट का मतलब है नंबर ऑफ प्रोसेस और नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन है थ्रूपुट की। ओके, द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज डिफाइंड बाय विच, तो प्रोसेस की, हर एक प्रोसेस की कुछ स्टेट्स होंगी, जैसे हमने स्टेट डायग्राम देखा था अभी स्टार्टिंग में, जैसे न्यू स्टेट हो गई, रेडी स्टेट हो गई, रनिंग, उसके बाद में टर्मिनेटेड एंड वेटिंग, ये सब स्टेट्स होती हैं एक प्रोसेस की। इन स्टेट का मतलब क्या है, फर्स्ट कह रहा है कि द फाइनल एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, नहीं, एक्चुअल में स्टेट का मतलब ये है कि प्रोसेस अभी क्या कर रही है, प्रोसेस अभी रेडी स्टेट में है, प्रोसेस अभी रनिंग कर रही है, या फिर वेटिंग स्टेट में, या फिर वो कंप्लीट करने के बाद में टर्मिनेट कर गई है, या फिर वो न्यू स्टेट में, अगर न्यू स्टेट में है इसका मतलब क्या है कि वो हार्ड डिस्क में है, तो करंट प्रोसेस की स्टेट जो है उसका करंट स्टेटस बताएगी कि अभी प्रोसेस किस स्टेट में है। एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, नो, एक्चुअली एक्टिविटी विच इज प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, दैट इज नोन एज स्टेट। द एक्टिविटी टू नेक्स्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, नो, द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ द प्रोसेस, करंट एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस, हमें पता है कि स्टेट कौन कौन सी है, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट, वेटिंग, तो कौन सी नहीं है इनमें से, न्यू भी है, वेटिंग भी एक स्टेट होती है, रनिंग भी, लेकिन ओल्ड नहीं होती है, सो बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है, ओल्ड कोई स्टेट नहीं होती है प्रोसेस की। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू, इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ विच, ये कह रहा है कि सिंपल एक आपके आपके पास में आपने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या करती है, रेडी क्यू के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हैं, लेट्स से 5 प्रोसेसेस हैं, इनमें से कौन सी प्रोसेस को अभी सीपीयू देना है ये डिसाइड करती है आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, और ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को इसीलिए हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। आपके पास में बहुत तरह के शेड्यूलर्स हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स एंड मिडिल टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को ही हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। तो सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज करेगा, और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये बताएगी कि जो 5 प्रोसेस है रेडी क्यू के अंदर, इनमें से कौन सी सिलेक्ट करनी है एग्जीक्यूशन के लिए। अब अगर प्रोसेस का क्राइटेरिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसका मतलब क्या है कि पहले जो प्रोसेस आई पहले वही आपकी रन करेगी। अब उसके बाद में शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या कहेगी कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है पहले उसको एग्जीक्यूट करो। लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम क्या कहेगी कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है पहले वो रन करो। इसी तरह प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दो तरह की है, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। तो अब आपके पास में अगर ये एल्गोरिथम नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये है कि आप पहले कोई भी प्रोसेस, अब आपके पास में रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस हैं बहुत सारी, लेट्स से ये प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू के अंदर, और इनकी कुछ प्रायोरिटीज हैं, लेट्स से 1, 2, 4, 3, ये प्रायोरिटीज हैं, 4 का मतलब है हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 1 का मतलब है लोवेस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी पहले, अगर मैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली प्रोसेस नंबर P3 एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इसकी सबसे हाई प्रायोरिटी है, तो आप प्रायोरिटी अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करते हो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। अगर नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब यह है कि अगर एक प्रोसेस एक बार शेड्यूल कर दी गई तो वो पूरी कंप्लीट होने के बाद ही सिस्टम से बाहर जाएगी, बीच में कोई प्रोसेस उसको कोई भी उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का मतलब क्या है,
प्रिमिटिव का मतलब यह है जिस टाइम पे P3 रन कर रही थी, ओके जिस टाइम P3 रन कर रही थी उसी टाइम पे एक नई प्रोसेस आ गई सिस्टम के अंदर P5, जिसकी प्रायोरिटी 5 थी, मतलब इससे भी हाई प्रायोरिटी थी। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को वापस भेज देंगे रेडी क्यू में और शेड्यूल कर देंगे P5 को। तो प्रोसेस को हम बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं अगर वो प्रीमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। अगर नॉन प्रीमिटिव है तो एक बार जो प्रोसेस शेड्यूल हुई वो कंप्लीट करने के बाद ही टर्मिनेट करेगी। तो ये कह रहा है कि अगर मैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज़ कर रहा हूँ तो अगर एक नई प्रोसेस आई रेडी क्यू के अंदर तो इसकी प्रायोरिटी मैं किससे कंपेयर करूंगा, जो पहले से प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर पड़ी हुई है उनमें, या फिर सभी प्रोसेस से जो अभी रन कर रही है उससे। पहला कह रहा है ऑल प्रोसेस इज नो, जैसे मैंने अभी बताया अगर नई प्रायोरिटी नई प्रोसेस आई रेडी क्यू के अंदर उसकी प्रायोरिटी हाई है तो आप किससे कंपेयर करोगे, जो अभी करंटली रन कर रही है। अगर उसकी प्रायोरिटी करंटली रनिंग प्रोसेस से कम है तो हम उसी को रन करने देंगे जो रन कर रही है। लेकिन जो नई प्रोसेस आई है अगर उसकी प्रायोरिटी P3 से ज़्यादा है, उसकी प्रायोरिटी P3 से ज़्यादा है तो इसको हटा के CPU से हम इसको शेड्यूल कर देंगे। तो बी सही आंसर है, करंटली रनिंग प्रोसेस से कंपेयर करते हैं। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विच इज विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द लोवेस्ट प्रायोरिटी, इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस कैन नॉट बी शेड्यूल्ड, नन ऑफ द मेंशनड अबव। सिंपल सा क्वेश्चन में क्वेश्चन में ही आंसर है। यह कह रहा है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है पहले उसको शेड्यूल कर दो, मीन्स ए इज द राइट आंसर। CPU इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी। क्वेश्चन नंबर 26, द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज वॉट। मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे मेमोरी के अंदर कितनी प्रोसेस रख सकते हो। ओके मेमोरी के अंदर कितनी प्रोसेस रख सकते हो, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है। तो हमने थ्रेशिंग पढ़ी थी अगर आपको याद हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस आप मेमोरी के अंदर लेके आते हो तो ऐसा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोसेस के पेज फॉल्ट होने शुरू हो जाएंगे। पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि बहुत सारी प्रोसेस ऐसी रन करना स्टार्ट कर देंगी जिनके पेजेस मेमोरी के अंदर है ही नहीं। आपको अगर कोई भी प्रोसेस रन करनी है तो मेमोरी के अंदर होनी चाहिए उसके सारे पेजेस, या फिर एटलीस्ट जो उसे एग्जीक्यूट करना है अभी पेज वो तो होना ही चाहिए मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कि द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द मेमोरी। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, नहीं, ये डेफिनेशन है थ्रूपुट की। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द रेडी क्यू, नो। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द आई क्यू, नो। आई यू से कोई रिलेशन ही नहीं है मल्टी प्रोग्रामिंग का। ओके डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमेशा ये डिपेंड करेगी कि मेमोरी के अंदर कितनी प्रोसेस है। द नंबर ऑफ प्रोसेस इन द मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 27, अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम, मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, ओनली टू टास्क एट अ टाइम और ऑल ऑफ द मेंशनड अबव। अ सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल मीन्स ओनली वन टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू। मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग हमेशा देखें जब भी प्रोग्रामिंग की बात आएगी सिंपली मल्टी प्रोग्रामिंग का, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में कन्फ्यूज नहीं होना है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब मेमोरी से है। अगर ये यूनी प्रोग्रामिंग है, यूनी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप मेमोरी के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस रख सकते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये कि एक टाइम पर आप बहुत सारी प्रोसेस मेमोरी के अंदर रख सकते हो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि रेडी क्यू के अंदर बहुत सारी प्रोसेस एक टाइम पे हो सकती है। रेडी क्यू कहाँ होती है, मेमोरी के अंदर, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रही है उनको हम रखते हैं रेडी क्यू के अंदर। तो ये कह रहा है कि हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स, नो, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स वेटिंग इन क्यू रेडी टू रन, जो मैंने अभी कहा कि अगर बहुत सारी प्रोसेस हम रेडी क्यू के अंदर रख सकते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे वो थे आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद में आए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिर आए मल्टी टास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यही था कि आप अपनी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस एक साथ रख सकते हो लेकिन एग्जीक्यूट एक टाइम पे एक ही करेगी। और जब मल्टी टास्किंग की बात है, जब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, इसका मतलब ये था वो मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन था। मतलब ये कि आप मेमोरी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस एक साथ रख सकते हो प्लस एक साथ बहुत सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा अभी अपने कंप्यूटर के अंदर आप एक ही टाइम पे लेट से म्यूजिक भी चला रहे हो, ब्राउजिंग भी कर रहे हो एंड प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, पैरेलली चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि पैरेलली चल रही है, एक्चुअल में वो स्विच कर रही है एक दूसरे के बीच में। वो स्विचिंग टाइम इतना ज़्यादा इतना कम है, स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि प्रोग्राम एक्चुअल में स्विच हुआ है। आपको लगता है कि सब कुछ पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके
तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है टू मिनिमाइज सीपी यूटिलाइजेशन. तो बी इसका सही आंसर है मल्टी प्रॉमिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू द क्यू फॉर प्रोसेसेस. जब भी कोई प्रोसेस रन कर रही होगी तो अपनी पूरे लाइफ टाइम के अंदर बहुत सारी क्यूज के अंदर वेट करना पड़ेगा उसके. फॉर एग्जाम्पल पहली बात करें तो पहले वो कहाँ करेगी वेट, जॉब क्यू के अंदर. जॉब क्यू कहाँ होगी, हमेशा हार्ड डिस्क के अंदर. जब आप न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हो, लेट से आपने बहुत सारी प्रोसेस क्रिएट कर दी एक साथ, आपने डबल क्लिक किया ब्राउजर पे, फिर डबल क्लिक किया वर्ड पे, फिर डबल क्लिक किया नोट पैड पे, फिर डबल क्लिक किया डेव सी प्लस प्लस पे, तो अपने चार पांच प्रोग्राम पे डबल क्लिक कर दिया एक साथ ही. तो इसका मतलब क्या होगा कि कई सारी प्रोसेस क्रिएट हो गई और वो सब प्रोसेस क्रिएट होने के बाद में जॉब क्यू के अंदर चली गई है. अब ये काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का कि उस जॉब क्यू से प्रोसेस को सेलेक्ट करें और रेडी क्यू के अंदर भेजें. रेडी क्यू कहाँ है, मेमोरी के अंदर. तो जॉब क्यू तो होती है, एक प्रोसेस जॉब क्यू के अंदर भी वेट करती है, रेडी क्यू के अंदर भी वेट करती है. डिवाइस क्यू क्या है, डिवाइस क्यू कहाँ होगी, आईओ, जिसको हम वेटिंग क्यू बोलते हैं. जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद में, मतलब सीपीयू को यूज़ करने के बाद में, अगर उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस पे कुछ शो करना है, या लेट से कुछ प्रिंट करना है प्रिंटर पे, या कुछ शो करना है मॉनिटर पे, तो वो कहाँ जाएगी, डिवाइस की क्यू में जाएगी. हो सकता है कि प्रिंटर पे कुछ और प्रिंट हो रहा हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा उस डिवाइस यानी कि उस प्रिंटर की क्यू के अंदर. तो एक प्रोसेस को डिवाइस क्यू के अंदर भी वेट करना पड़ सकता है. तो पीसीबी क्यू कुछ नहीं होती है. ये सही आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्यू फॉर प्रोसेस. ये प्रोसेस के लिए नहीं है. व्हेन द प्रोसेस इश्यूज एन आईओ रिक्वेस्ट, जब भी कोई प्रोसेस एक आईओ रिक्वेस्ट करेगी, मतलब क्या है कि इस प्रोसेस को कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज करना है, तो क्या होगा, इट इज प्लेस्ड इन एन आईओ क्यू, इट इज प्लेस्ड इन ए वेटिंग क्यू, इट इज प्लेस्ड इन द रेडी क्यू, और इट इज प्लेस्ड इन द जॉब क्यू. तो हमें पता है बिल्कुल फॉर श्योर ये दो तो है ही नहीं. क्यों, क्योंकि जॉब क्यू में प्रोसेस कब आएगी, जब वो न्यूली क्रिएट होगी. रेडी क्यू के अंदर कब आएगी, जब उसके हम हार्ड डिस्क मेमोरी के अंदर लोड कर देंगे, तो वो रेडी क्यू के अंदर आ जाएगी. वेटिंग क्यू में या फिर आईओ क्यू में, तो हमें पता है कि स्टेट होती है वेटिंग स्टेट, वेटिंग और ब्लॉक. वहां पर हम क्या करते हैं कि जब प्रोसेस टर्मिनेट, जब प्रोसेस सीपीयू से एग्जीक्यूट करने के बाद में उसको आईओ कुछ भी आईओ एग्जीक्यूट करना है, तो वो कहाँ जाएगी, वेटिंग स्टेट में. तो बी इज द राइट आंसर. कैसे, अगर आपको प्रोसेस स्टेट डायग्राम हो याद हो तो ऐसे था, न्यू न्यू टू रेडी, फिर रेडी से रनिंग, और फिर फाइनली टर्मिनेट, कंप्लीट सीपीयू एग्जीक्यूट करने के बाद में टर्मिनेट, और बीच में एक प्रोसेस, एक चीज और होगी, वेटिंग और ब्लॉक, जहां पे वो किसी आईओ डिवाइस के लिए वेट करेगी. तो रनिंग से वो वेटिंग स्टेट में जा सकती है, और फिर फाइनली आईओ डिवाइस यूज करने के बाद में वो रेडी स्टेट में जा सकती है, अगर उसको दोबारा से सीपीयू को यूज करना है. ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट रनिंग स्टेट में नहीं आ सकती है. ये नॉन प्रीमिटिव डायग्राम है. अगर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ तो ये प्रीमिटिव डायग्राम बन जाएगा. मतलब क्या है कि प्रोसेस रन कर रही थी, रन करते करते वापस रेडी क्यू में आ गई, क्योंकि वो इंटरप्ट कर दी गई, कोई और प्रोसेस हमने शेड्यूल कर दी. तो जब अभी हम क्यूज की बात कर रहे थे, तो जॉब क्यू यहाँ पे होती है न्यू स्टेट में जब होगा, तो वो जॉब क्यू के अंदर होगी प्रोसेस. जब भी कोई प्रोसेस न्यू स्टेट में है, इसका मतलब समझ जाना कि वो जॉब क्यू के अंदर है, और जॉब क्यू हार्ड डिस्क में होती है. और जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है, जब रेडी स्टेट में है, तो मतलब कहाँ है, वो मेमोरी के अंदर है. ठीक है, और वो रेडी क्यू के अंदर है. उसके बाद में वेट यहाँ पे आपकी होती है आईओ क्यू, और यू कैन से डिवाइस क्यू, वो सब चीजें यहाँ पर होती है. तो इसका आंसर है बी. व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट्स इट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल क्यूज, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल बट द जॉब क्यू, इट इज इट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज डीएलोकेटेड, इट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज नेवर डीएलोकेटेड. जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट कर गई, टर्मिनेट करने का मतलब क्या है कि फाइनली उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है, अब वो मेमोरी के अंदर से तो रिमूव कर ही देंगे. जॉब क्यू कहाँ है, जॉब क्यू हार्ड डिस्क के अंदर है. तो हार्ड डिस्क के अंदर तो हमने तभी रिमूव कर दी जब उसको हमने न्यू से रेडी में लेके आए. तो एक प्रोसेस जब न्यू से रेडी में आई, तो वो न्यू स्टेट से हट गई, यानी कि जॉब क्यू से हट गई और रेडी स्टेट में आ गई. तो यहाँ से तो हम रिमूव करते ही करते हैं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है. इट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज डीएलोकेटेड. ओके, इज इट पॉसिबल, हो सकता है कि प्रोसेस दोबारा से वापस आए, हम इसको डीएलोकेट नहीं करते, हम इसको सस्पेंड कर देंगे. इट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज नेवर डीएलोकेटेड. ठीक है, तो जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट करती है, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमने उसको जॉब क्यू, रेडी क्यू, वेटिंग क्यू, डिवाइस क्यू, सब क्यू से रिमूव कर दिया है. इट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल क्यूज. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मतलब क्या है, जैसे हमने अभी शेड्यूलर की बात करी थी, तो शेड्यूलर तीन तरह के होते हैं.
ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कंपिटेटिव एग्जाम्स में इसके बारे में पूछते हैं। शेड्यूलर दो तीन तरह के हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिडिल टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को ही हम इस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को ही हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं, जो सीपीयू में के लिए प्रोसेस को सिलेक्ट करता है। अब इसका प्रोसेस स्टेट डायग्राम से बहुत रिलेशन है, हम प्रोसेस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि इन शेड्यूलर काम क्या है। हमेशा याद रखना, शेड्यूलर सिर्फ एक डिसीजन लेगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक डिसीजन को एग्जीक्यूट करना काम किसका है? डिस्पैचर का। डिस्पैचर क्या करता है? जो भी शेड्यूलर ने डिसीजन लिया है, शेड्यूलर डिसीजन कैसे लेगा? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज करके। तो उसने जो भी डिसीजन लिया है उसको एग्जीक्यूट करेगा डिस्पैचर। तो ये पहले एक कोई प्रोसेस थी न्यू स्टेट में, फिर वो रेडी में आई। ठीक है, हम इसको डायग्राम को बहुत बार देख चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। उसके बाद में रनिंग, रनिंग के बाद में वो टर्मिनेट कर जाएगी। या फिर वो वेटिंग स्टेट में जा सकती है, रनिंग से वेटिंग एंड वेटिंग से रेडी। तो अब यहाँ पे शेड्यूलर्स यूज होंगे। तुम्हारे पास में कई सारी प्रोसेस हैं जो क्रिएट हुई है, नई न्यू। आपने बहुत सारी प्रोसेस क्रिएट कर दी न्यू स्टेट में, जो कि जॉब क्यू के अंदर है। यहाँ पे को क्या है? जॉब क्यू। जो भी प्रोसेस आप क्रिएट करोगे न्यूली, वो जॉब क्यू के अंदर होगी। जॉब क्यू कहाँ है? हार्ड डिस्क में। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम क्या है? कि जो जॉब क्यू के अंदर बहुत सारी प्रोसेस क्रिएट हुई है अभी अभी, जो न्यू प्रोसेस आई है बहुत सारी, उनमें से किस किस प्रोसेस को मैं रेडी क्यू के अंदर भेजूँ मेमोरी के अंदर। ज़रूरी नहीं कि मैं सारी की सारी प्रोसेस भेजूँ। ये काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है कि जो नई जो न्यू प्रोसेस क्रिएट हुई है उनमें से कौन कौन सी प्रोसेस रेडी स्टेट में भेजनी है। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी कंट्रोल कर रहा है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे कंट्रोल कर रहा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही डिसाइड कर रहा है कि कितनी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर रखी जाए। और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? कि मेमोरी के अंदर कितनी प्रोसेसेस है, मेमोरी के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है। रेडी क्यू कहाँ होती है? मेमोरी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली हम ये कह रहे हैं कि न्यू स्टेट हार्ड डिस्क के अंदर है, रेडी स्टेट मेमोरी के अंदर है। तो हम हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस भेजने का काम है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। मिडिल टर्म शेड्यूलर का काम क्या है? रनिंग से प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में लेके जाना और वेटिंग से रेडी क्यू के अंदर लेके जाना, ये काम है मिडिल टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, रनिंग टू वेटिंग, वेटिंग टू रेडी, ये सब काम है मिडिल टर्म शेड्यूलर का। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का हमें पता ही है, न्यू से रेडी से रनिंग स्टेट में जो लेके जाएगा वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेके जाएगा। जब रेडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हैं, रेडी क्यू के अंदर आपके पास में बहुत सारी प्रोसेस आ गई है और उनमें से किसी एक को ही सीपीयू दे सकते हैं एक टाइम पे। अब किस प्रोसेस को सीपीयू देना है, ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स यूज करेगा। फॉर एग्जांपल एफसीएफएस, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन। तो इनमें से कोई सी एल्गोरिथम यूज करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और उसके अकॉर्डिंगली रेडी क्यू से प्रोसेस को उठाएगा और रन करेगा। ठीक है, तो रेडी क्यू में से कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी है वो काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो ये सब डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिडिल टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इन सब का काम है डिसीजन लेना कि क्यू से क्यू में ट्रांसफर करना। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं क्वेश्चन को। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम क्या है? इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू बी ब्रॉट इन टू द रेडी क्यू। ट्रू, रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस लेके आनी है, ये काम किसका है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड अलोकेट सीपीयू, ये काम किसका है? ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, ना कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग, ये काम किसका है? ये काम है मिडिल टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, तो इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसकी डेफिनेशन देख सकते हो आप। तो ये काम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का और ये काम है मिडिल टर्म शेड्यूलर का और ये काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। तो ये पूछ रहा है लॉन्ग टर्म शेड्यूल के बारे में, तो आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 33, इफ ऑल प्रोसेसेस आईओ बाउंड, अगर सारी प्रोसेस आईओ बाउंड है, द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूल विल हैव टू डू व्हाट। हमारे आईओ बाउंड का मतलब क्या है? आईओ बाउंड प्रोसेस का मतलब ये है कि मैंने बताया था दो प्रोसेस, एक हर एक प्रोसेस दो तरह की हो सकती है। ठीक है, कोई प्रोसेस आएगी या तो वो आईओ बाउंड प्रोसेस होगी या फिर वो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होगी। तो अगर कोई प्रोसेस आईओ बाउंड है, इसका मतलब क्या है? अगर वो आईओ बाउंड है या फिर वो सीपीयू बाउंड होगी, दो ही तरह से हो सकती है। मैंने बताया था कि हर एक प्रोसेस दो चीज करती है, सीपीयू पे एग्जीक्यूशन करेगी या फिर आईओ डिवाइस यूज करेगी। तो एक प्रोसेस अपने पूरे टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, पूरे टाइम ड्यूरेशन में जब तक वो चल रही होती है,
तो वो कुछ सीपीयू पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही होती है या फिर कुछ आईओ डिवाइस यूज कर रही होती है, दो ही काम करती है। तो अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती है आईओ डिवाइसेस पे तो उसको बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस, अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती है सीपीयू पे तो उसको बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। तो अगर कोई प्रोसेस सीपीयू बाउंड है तो वो कहाँ जाएगी, रेडी क्यू के अंदर। अगर कोई प्रोसेस आईओ बाउंड है तो वो कहाँ जाएगी, डिवाइस क्यू के अंदर या फिर आईओ क्यू के अंदर। ठीक है, अगर सारी प्रोसेस तुम्हारी आईओ बाउंड है इसका मतलब क्या है कि आईओ क्यू के अंदर जाएगी सारी प्रोसेस। सी रेडी क्यू के अंदर वही प्रोसेस आएगी जिसको एग्जीक्यूट करना है सीपीयू पे, जिसको सीपीयू चाहिए। आईओ प्रोसेस कहाँ जाएगी, वो जाएगी आईओ क्यू के अंदर या फिर डिवाइस क्यू के अंदर। अब मैंने बताया था अभी पिछले पिछले क्वेश्चन में एक चीज बताई थी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम ये है कि रेडी क्यू से प्रोसेस सेलेक्ट करें एग्जीक्यूशन के लिए, रेडी टू रनिंग में भेजने के लिए। तो जब कोई प्रोसेस को सीपीयू चाहिए ही नहीं, जब कोई प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर है ही नहीं, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो इफ ऑल प्रोसेसेस आर आईओ बाउंड द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज भी हमें इनमें से फेल करना है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी रहेगी, क्योंकि कोई प्रोसेस सीपीयू के लिए आई ही नहीं, सब प्रोसेस आईओ के लिए आई है, तो वो आईओ क्यू में जाएगी ना कि रेडी क्यू में। तो रेडी क्यू तो एम्प्टी ही रहेगी। अगर रेडी क्यू एम्प्टी है तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी से रनिंग के लिए सेलेक्ट करता है। अब रेडी क्यू के अंदर कोई प्रोसेस ही नहीं है तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कोई काम ही नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी एंड लिटिल, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को बहुत ही कम काम करना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर।